नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस एवं राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार को संपन्न हुआ। नशीली सिरप बिक्री एवं संग्रहण करने वाले तस्कर पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को मिली सफलता। जिला कांकेर अंतर्गत थाना सिकसोर क्षेत्र में दो माओवादियों हुए ढेर एवं आर्म्स एम्यूनेशन विस्फोटक सामग्री बरामद। अब खबरें विस्तार से। बस्तर पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति एवं राष्ट्रीय एकता के सम्मान में एक बेहतरीन आयोजन तथा समापन समारोह 31 अक्टूबर 2022 सोमवार सुबह 7 बजे से 12 बजे तक स्थान शहीद पार्क में संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण आयोजन में एकता दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, हथियार एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें विभाग द्वारा उपकरणों की जानकारी भी दी गई। साथ ही साथ पुलिस महिला टीम से नगर की स्कूली छात्राएं, युवती एवं महिलाएं जानकारी ली, गुड टच बैड टच के बारे में समझाइश दी गई, जो कि इस तरह का पहला कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन के बारे में जानने को मिला। हमर बेटी हमर शान के तहत अभिव्यक्ति टीम द्वारा परामर्श दिया गया। साइबर सेल टीम भी मौजूद में, जो डिजिटल की दुनिया में सोशल मीडिया से होने वाली समस्याओं की जानकारी भी दी गई। सभी छात्राओं, युवतियों एवं महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप्स डाउनलोड कर लेने को कहा गया। पुलिस प्रशासन द्वारा दी जा रही रंगोली प्रतियोगिता में उम्र का बंधन नहीं था। आयोजन में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। एकता दौड़ में प्रदेश के संसदीय सचिव रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, आईजी सुंदरराज पी एवं पी जितेंद्र सिंह मीणा सहित अधिकारी, कर्मचारी एवं समाज के सम्मानीय जन पुरुष, महिलाएं, बच्चे शामिल हुए। यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिन्होंने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया है और विश्वास, विकास और सुरक्षा की जो थीम को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, मीडिया के साथ ही पूरे सभी समाज वर्ग, सभी धर्मों का जो एक सहयोग मिल रहा है कि हम अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने ज़िले को, अपने शहर को मजबूत करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इस तरीके से हम सब आज साबित कर दिए कि बस्तर का जो नागरिक है, ये कहना उनकी इस आयोजन में शामिल होने से ये स्पष्ट होता है कि एक बनेंगे, नेक बनेंगे। और देश जब हमको सब कुछ दे सकता है, तो हम सबका, नागरिकों का कर्तव्य भी कि हम देश को कुछ दें। और इस देने की दिशा में आज जो कार्यक्रम हुआ, इसमें स्पष्ट झलका है। प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस तथा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अवधि में लगातार पुलिस संबंधित कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम, जैसे वाद-विवाद प्रतियोगिता है, चित्रकला है, परेड है, और जैसे आज एक एकता दौड़ का कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इसमें शहर के सभी सम्मानीय नागरिकगण, क्षेत्र के जो सभी बच्चे एवं अन्य लोग शामिल हुआ है, काफ़ी उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसके पूर्व में दलपत शहर में पुलिस का बैंड का भी प्रदर्शनी का आयोजन किए गए थे। इस अवसर पर जो देश के जो प्रथम गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार पटेल जी का तथा देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का भी हम स्मरण करते हैं। साथ साथ जो बस्तर क्षेत्र के शांति, विकास एवं सुरक्षा के लिए बस्तर क्षेत्र के 1700 से अधिक नागरिकगण, जनप्रतिनिधिगण, साथ साथ 1200 से अधिक हमारा जो जवान ने सर्वोच्चतम बलिदान दिया, इन सबका योगदान को याद की जाकर आने वाले पीढ़ी के लिए बस्तर में अभी जो बदलता परिस्थिति है, इसके साथ साथ पूर्व में किस प्रकार का संघर्ष रहा, उसमें किन किन का क्या योगदान रहा, इसके जानकारी से भी अवगत कराया गया। आज जगदलपुर के गंगा मुंडा तालाब व महादेव घाट में लोगों का हुजूम देखने को मिला। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा सोमवार को संपन्न हुआ। उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही महापर्व का सोमवार को समापन हो गया। उगते सूर्य की उपासना के बाद छठ व्रतियों ने पारण कर 36 घंटे का निर्जला उपवास तोड़ा।
जगदलपुर में छठ पर्व के दौरान भारी उत्साह देखने को मिला। शाम को डूबते हुए सूरज का पूजा होता है, सुबह में उगते हुए सूरज का पूजा होता है। जो भी आप दिल से मनोकामना करेंगे वो पूरा होता है, मतलब जो भी आप मानिए वो मिलता है। हम लोग हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, हर चीज पूरा होता है। बेटा मांगिए, बेटी मांगिए, चाहे का भी मन्नत होने से हर चीज का मनोकामना पूरा होता है। गंगा मुंडा तालाब व महादेव घाट पर छठ पर्व की आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। छठ मैया की गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। सोमवार भोर से ही छठ व्रती घाटों पर पहुंचकर भगवान सूर्य के निकलने का इंतजार करते देखे गए, क्योंकि सोमवार को चौथे दिन उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही इस व्रत का समापन होता है। 36 घंटे तक कठिन निर्जला व्रत रहने के बाद व्रतियों ने सूर्य को अर्घ देकर पारण किया और अपना उपवास तोड़ा। खरना के बाद रविवार को छठ का तीसरा दिन रहा। रविवार को व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया था। छठ पर्व बहुत महापर्व के रूप में मनाया जाता है। पहले पूर्वांचल और बिहार में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे 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 इसकी आस्था इतनी बढ़ गई है इस छठ महापर्व की, कि देश में नहीं अभी तो विदेश में भी यह छठ पर्व मनाया जाता है और इसकी मान्यता संपूर्ण देश में और विदेश में भी मनाया जाता है। क्योंकि एक छठ पर्व ऐसा पर्व है कि डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। हर कोई उगते हुए सूर्य को ही नमस्कार करते हैं, लेकिन छठ पर्व ही एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे के प्रणाम करते हैं और उसके दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के उनको प्रणाम करते हुए और इस छठ महापर्व का समापन करते हैं। छठ पर्व 4 दिन का मनाया जाता है और इसमें व्रतधात्री 36 घंटे उपवास रहती है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देके अपने उपवास का समापन करती है। नशीली सिरप बिक्री एवं संग्रहण करने वाले तस्कर पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना बोधघाट को सूचना प्राप्त हुआ था कि नया मुंडा क्षेत्र में किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध और नशीली दवाइयों और सिरप का संग्रहण विक्रय करने की नियत से रखा है। सूचना पर उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु नया मुंडा की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा नया मुंडा क्षेत्र में एक व्यक्ति को संदेह के आधार पर पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर उसने अपना नाम नितेश भुवनेश्वर ठाकुर निवासी नया मुंडा होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके पास मोनोकॉफ कफ सिरप 100 ml 50 नग मिला, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उक्त प्रतिबंधित और नशीली सिरप के रखने के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिक जानकारी देते हुए ASP क्राइम बस्तर हेम सागर सिदार ने बताया, उक्त टीम के द्वारा नया मुंडा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर उसने अपना नाम नितेश उर्फ भुवनेश्वर ठाकुर निवासी नया मुंडा का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर जिसके पास अवैध और प्रतिबंधित नशीली सिरप जो है मोनोकॉफ प्लस कफ सिरप करीब 5 लीटर बरामद हुआ, जिसके संबंध में पूछताछ करने पर उसने जो है किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज अथवा प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में नितेश उर्फ भुवनेश्वर का उक्त कृत्य NDPS एक्ट की परिधि में आने पर उसके विरुद्ध धारा 21 NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में आरोपी के कब्जे से जो है मोनोकॉफ प्लस कफ सिरप 5 लीटर बरामद कर जब्त किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 9,000 रुपये आंकी गई है और इस मामले में आरोपी को थाना बोधघाट के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। तब यह मामला थाना बोधघाट के अंतर्गत विवेचनाधीन है। बस्तर संभाग सहित प्रदेश भर में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने वाली है। धान की खरीदी शुरू होने को महज 1 दिन बचे हुए हैं और ऐसे में खरीदी केंद्र प्रभारी लैंपस प्रभारी सहित कई कर्मचारियों ने अपने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं।
इससे पहले भी सहकारी समितियों ने अपनी मांगों को लेकर बस्तर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए 26 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिलने पर सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 28 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है और मंडी प्रांगण में बैठ गए हैं। वहीं हड़ताल पर बैठे सहकारी समिति कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष मन बहाल महावीर ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल में जाने से बस्तर संभाग के जितने भी सोसाइटियां पूर्ण रूप से बंद है, धान खरीदी केंद्रों में ताला लगा हुआ है, केंद्रों में ना ही बारदाना पहुंची है, ना ही फड़ों की सफाई हुई है और ना ही केंद्रों में भूसा और त्रिपाल पहुंचे हैं, क्योंकि सारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं, जिससे धान खरीदी कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रही है और साथ ही साथ शासन की महत्वपूर्ण योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य भी प्रभावित है, जिसके चलते उपभोक्ताओं को राशन नहीं मिल रहा है। हड़ताल का समर्थन देने के लिए संघ में पूरे प्रदेश के कर्मचारी आ रहे हैं। हमारी चार सूत्री मांग है शासन प्रशासन से। पहला मांग है जो धान में सूखा, जो धान का स्वाभाविक गुण है वो सूखता ही है, उसे हमें सूखा की भरपाई शासन से किया जाए और हमारे समिति प्रबंधकों की समिति से भरपाई ना किया जाए। हमारी दूसरी मांग है जो प्रासंगिक व्यय के रूप में 9 रुपये सरकार देती है, जो आज की मांग है कि डेट में हो ही नहीं सकता, तो उसको 9 रुपये का बढ़ा के 30 रुपया किया जाए और जो सुरक्षा व्यय के नाम पे 3 रुपया दिया जाता है वो 3 रुपया को बढ़ा के 15 रुपये किया जाए। और हमारी तीसरी मांग है जो प्रबंधक के अनुदान कैडर फंड की व्यवस्था किया जाए शासन प्रशासन से। कैडर फंड की व्यवस्था होने के बाद हमारी समिति को कैडर फंड लागू किया जाए, तभी हमारे सभी 12 महीना सभी समिति कर्मचारी को नियमित रूप से वेतन मिल जाए। और चौथी हमारी मांग है 72 घंटे में उठाव, धान का उठाव। धान नहीं उठाव के कारण सुखद आती है, उसी 72 घंटे में हमारे अनुबंध होता है जिला विपणन अधिकारी से, तो 2 महीना 3 महीना कोई कहीं तो 4 महीना 6 महीना से उठाव नहीं होता है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन के गठन में खुलेंगे बस्तर के अंदरूनी इलाकों में दांत संबंधी रोगों के चेकअप और निदान के अवसर। डॉक्टर आशा दुल्हानी ने कहा कि डेंटल संघ के गठन से बस्तर वासियों तक दांतों से संबंधित शिविर आयोजित होंगे, जिसमें लोगों का निःशुल्क चेकअप और जागरूकता के द्वार खुल गए हैं। अब बस्तर वासियों को दांतों के विकार की चिकित्सा यही मिल सकेगी, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। संघ के गठन से संभाग में शिविर भी लगेंगे, जो पहले सुविधाजनक न होने से नहीं लग पाते थे। आज जगदलपुर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन का विधिवत गठन और शपथ ग्रहण समारोह कलेक्टर बस्तर चंदन कुमार के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। बस्तर कलेक्टर ने संघ के सदस्यों को बधाई देते हुए बस्तर के ग्रामीण इलाकों में निवासरत लोगों को दांत संबंधी रोगों का समुचित इलाज के लिए आश्वस्त रहने की कामना की। बस्तर के CMHO डॉक्टर RK चतुर्वेदी ने भी संघ के सदस्यों से कहा कि वे बेहतर इलाज की सुविधा बस्तर वासियों को मुहैया कराएंगे। वहीं डेंटल एसोसिएशन संघ के गठन समारोह में पहुंचे बस्तर कलेक्टर चंदन कुमार ने संघ के सभी पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई। एक इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, पूरा डेंटिस्ट का ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है। इससे हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम, फ्री डेंटल चेकअप, एडुकेशंस वगैरह करते हैं, जो अभी तक क्या था, रायपुर में ब्रांच होने के कारण जगदलपुर तक ही सीमित हमें मिल पाता था। अब एक बस्तर ब्रांच हो गया तो हम और इंटीरियर जाके ये सब सेवाएँ दे सकेंगे, चाहे डेंटल चेकअप्स हों, चाहे पे लोगों को अवेयर करना हो ओरल हेल्थ के लिए, वो सब अब और आसानी से हो पाएगा। आज क्या विशेष कार्यक्रम? आज हमारे इंडियन डेंटल एसोसिएशन का ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ है और ओथ सेरेमनी हुआ है, सब मेंबर्स अपॉइंट किए गए हैं, तो इसमें हमारे रायपुर संभाग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया और ये पूरा ओपनिंग हुआ। आज हमारे संभाग में कितने डेंटिस्ट होंगे मैम? 25 से 30 है बस्तर ब्रांच। ट्राइबल इलाका है, कितनी मुश्किल है और कितना आसान से काम कर पाएंगे? थोड़ा मुश्किलें तो जाएंगी, पर क्योंकि अब हमारी संख्या काफ़ी है और हम एक संघ बना लिया हमने, तो हम थोड़ा आसानी से सब सेवाएं दे पाएंगे। संघ नहीं था तो क्या दिक्कत आती थी? यूनिटी नहीं थी तो अकेले मैं कहाँ जाऊँगी वाला हिसाब होता है, अब एक साथ मिल गया तो हम चेकअप्स के लिए इंटीरियर में इजीली जा सकते हैं। नशीली दवाई व सिरप के तस्करी पर बस्तर पुलिस की पुनः कार्यवाही। दंतेश्वरी वार्ड क्षेत्र में की गई कार्यवाही, आरोपियां बैला बाजार क्षेत्र के निवासी
एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही, जब्त संपत्ति मोनोकॉफ सिरप, महिला के द्वारा अवैध एवं प्रतिबंधित नशीली दवाइयों और सिरप का संग्रहण कर विक्रय करने की नियत से रखा है। उक्त टीम के द्वारा बैला बाजार क्षेत्र में एक संदिग्ध महिला की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जुगबाई रीता चौधरी निवासी दंतेश्वरी वार्ड बैला बाजार होना बताया, जिसकी बैग की विधिवत तलाशी लेने पर जिसके पास मोनोकॉफ प्लस सिरप 55 नग सीसी प्रत्येक में 100 ml सिरप कुल 5.5 liter अल्प्राजोलम टैबलेट 3150 नग पिवॉन स्पॉस प्लस कैप्सूल 1040 नग मिला, जो प्रतिबंधित एवं नशीली दवाइयों की श्रेणी में आता है। जब्तशुदा संपत्ति की कीमत 25,000 रुपए आंकी गई है। मामले में आरोपियां जुगबाई उर्फ रीता चौधरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया। अधिक जानकारी देते हुए एएसपी क्राइम बस्तर हेमसागर सिदार ने बताया, उक्त टीम के द्वारा बैला बाजार क्षेत्र में एक संदिग्ध महिला की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम जुगबाई उर्फ रीता चौधरी निवासी बैला बाजार का होना बताया, जिसके सामान की विधिवत तलाशी लेने पर जिसके पास जो है मोनोकॉफ सिरप अल्प्राजोलन टैबलेट पिवान स्पास प्लस कैप्सूल बरामद हुआ, जो प्रतिबंधित और नशीली दवाइयों की श्रेणी में आता है, और उक्त दवाइयों के रखने के संबंध में पूछताछ करने पर जो है उक्त महिला के द्वारा जो है अपने पास किसी प्रकार का वैधानिक दस्तावेज अथवा प्रत्युत्तर नहीं होना बताया गया। मामले में आरोपिया जुगबाई उर्फ रीता चौधरी के विरुद्ध थाना बोधघाट में धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। जिला कांकेर अंतर्गत थाना सिकसोर क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर दिनांक 30/10/2022 की रात्रि में कांकेर एवं 21वीं वाहिनी की संयुक्त टीम को माओवादियों के विरुद्ध अभियान हेतु थाना सिकसोर क्षेत्र के ग्राम कड़मे कठोरी नवगेल आलंकार की ओर रवाना किया गया था। अभियान के दौरान दिनांक 31/10/2022 के प्रातः लगभग 3 बजे थाना सिकसोर से लगभग 20 किलोमीटर पश्चिम ग्राम कड़मे जंगल पहाड़ में माओवादियों द्वारा पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ माओवादियों के विरुद्ध प्रभावी जवाबी कार्यवाही के फलस्वरूप माओवादियों जंगल पहाड़ की आड़ लेकर भाग गए। मुठभेड़ के पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा घटनास्थल की सर्चिंग करने पर घटनास्थल से 2 पुरुष माओवादियों के शव एवं काफी मात्रा में माओवादियों के आर्म्स एम्यूनेशन विस्फोटक एवं कैंपिंग सामग्री बरामद किए गए। उक्त माओवादियों पर शासन द्वारा 8-8 लाख का इनाम घोषित है। इनके विरुद्ध विभिन्न थानों में हत्या, लूट, आगजनी जैसे कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है। आज जगदलपुर शहर में गुजराती समाज व जलाराम ट्रस्ट के द्वारा जलाराम बापा की 223वीं जयंती गुजराती समाज के सदस्यों द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम समाज के द्वारा प्रभात फेरी व शोभा यात्रा निकाली गई। शाम को महाआरती के बाद खिचड़ी भोग प्रसाद का वितरण किया गया। अधिक जानकारी देते हुए गुजराती समाज के मंत्री विकास मोहन लाल चौहान ने बताया, श्री जलाराम बापा की 223वीं जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जलाराम बापा जयंती का धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थापित जलाराम बापा की प्रतिमा की गुजराती समाज के लोगों ने पूजा की, वहीं अभिषेक, पूजन, दीप दान, महायोग का अनुष्ठान भी किया गया। महाआरती के बाद महिलाओं ने भजन कीर्तन कर जलाराम बापा का गुणगान किया। जयंती पर पूजन के बाद लोगों के बीच प्रसाद बांटा गया। जलाराम बापा जो है बहुत बड़े संत थे गुजरात के वीरपुर जगह में। इन्होंने अन्न क्षेत्र चालू किया था, अपने हाथ से रोटी बना के जो आने वाले संतों को भोजन कराते थे, और बहुत बड़े राम भक्त हुए। उनकी जयंती हम लोग हर साल जो है पूरे भारतवर्ष में और विदेश में भी मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। और जैसा कि जलाराम बापा की प्रेरणा से हम जलाराम मंदिर में ही कुछ 12 बच्चों को हम निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। ये बच्चों को हमने खास चुना है जो फाइनेंशियली उतने सक्षम नहीं है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वो स्कूल वगैरह जाते हैं बट वो शिक्षा अच्छी प्राप्त नहीं हो पा रही, तो हमारा यही प्रयास है कि बापा जलाराम बापा की प्रेरणा से हम उनको कुछ हमारी तरफ से दान ज्ञान दान के नाम से हमारी वो पहल है, उसमें हम काम कर रहे हैं। सुबह प्रभात फेरी निकाला गया, समाज के सभी वर्गों में इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया,
और शाम को शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो कि जलाराम मंदिर से होते हुए शहीद पार्क होते हुए अपना स्टेट बैंक से मेन रोड होते हुए फिर मिताली चौक से ऐसा घूमते हुए हनुमान चौक से होते हुए वापस जलाराम मंदिर आएगी। उसके बाद महाआरती करेंगे, उसके बाद खिचड़ी महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर के द्वारा राजीव भवन में इंदिरा गांधी बलिदान दिवस और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती गरिमा और सादगी साथ मनाई गई। कांग्रेसियों ने छाया चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात अपने उद्बोधन में इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव शर्मा ने देश के दोनों महान नेताओं की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि श्रीमती इंदिरा गांधी विश्व की महान महिला नेताओं में से एक थी, भारत की प्रथम प्रधानमंत्री तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी। दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, सहज निर्णय, अनुशासन प्रियता, राजनीतिक कुशलता तथा कुशल नेतृत्व की बल पर वह विश्व के राजनीतिक पटल पर एक सशक्त तथा अविस्मरणीय राजनेता के रूप में सम्मानित हुई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर घोषित शासकीय अवकाश के बावजूद 1 नवंबर को सभी धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। सरकार की मंशा के अनुरूप बस्तर जिला प्रशासन द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत करने के लिए सभी तैयारियां कर ली है। जिले में इस वर्ष 1340 नए किसानों ने पंजीयन करवाया है, जिसमें पंजीकृत किसानों की संख्या 51,239 हो गई है। इस वर्ष बस्तर जिले में 1,78,399 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। धान खरीदी के लिए कांटा बांट कंप्यूटर नमी मापक यंत्र सहित आवश्यक सामग्री का सत्यापन कर लिया गया है। शासन द्वारा इस वर्ष धान खरीदी के लिए 50% नए और 50% पुराने बारदानों का उपयोग किया जाएगा। धान खरीदी के लिए वर्तमान में जिले में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।